भाई लोग, दिवाली तो खत्म हो चुकी है ना, तो फिर हम आज के पटाखे फोड़ रहे हैं? दिवाली के साइड इफेक्ट, और अपनी तो रोज ही दिवाली होती है। और गाइस वैसे भी नेक्स्ट ईयर तक ये सारे क्रैकर्स वेस्ट हो जाने, जला लेते हैं। पर भाई लगा, तुम लोग पीछे हट जाओ। विक्रम तो इसी तरफ आया था, कहाँ चला गया? क्या है? भूख लग रही है। सारे पतियों की ना बैंड बजा दिए तूने। पति नाम की चीज की पूरी पूरी बैंड बजा दी है। सुबह से भूखा रखा हुआ है, अरे हर चीज खाना दिख रही है मुझे। दिल करता किसी को पकड़ के खा जाओ, भूख लग रही है यार। आपको खाना दिख रहा है और मुझे मेरा प्यार। तू हंस रहे, मेरा बस चलता तो मैं तुझे सबसे पहले डस लेता। तू प्यार नहीं धोखा है, और शिवांगी की मां का कातिल। ये यहां क्या कर रहा है? इसे तो ऊपर होना चाहिए था। शिवांगी इसका इंतजार कर रही होगी। विक्रम जी, वो मुझसे ना क्रैकर्स का एक पैकेट छत पे ही छूट गया। मैं ले आती पर वहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर मैं रॉकी से कहूँगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। क्या आप प्लीज मेरे लिए वो बैग ले आएंगे? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आता हूँ। थैंक यू। वो नाक तो नीले रंग का था, और ये तो दूसरे रंग का नाग है। अब ये कौन सा नया नाग हमसे बदला लेने आया है? तो इसका मतलब हमारा शक सही था। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हूँ मैं। और एक नागिन जब इस रूप में आती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंतकाम। इंतकाम, अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई हूँ मैं। तो इसका मतलब वो तू ही थी जिसने? हाँ, वो मैं ही थी जिसने अमर को मारा। मैं वही हूँ जिसने अवंतिका पर वार किया। मैं वही हूँ जो आज तुझे मारेगी। तुम लोगों ने मिलकर मेरी माँ को धोखे से मारा था ना, ठीक वैसे ही मैं तुम लोगों को मारूंगी। धोखे की ये कहानी जो तुम लोगों ने शुरू की थी उसे मैं खत्म करूंगी। तू तू मुझे मारेगी, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। अब समझ में आया, जिस नाग ने मुझ पर स्विमिंग पूल में हमला किया था वो कोई और नहीं तू थी। पर क्या हुआ, तू मुझे छू भी नहीं पाई। मारना तो बहुत दूर की बात है। तू भी सोच रही होगी कि तू मुझे मार क्यों नहीं पाई। मैं तुझे बताता हूं कि तू मुझे मार क्यों नहीं पाई। ये देख, ये है मेरा रक्षा कवच, मेरी गरुड़ मणि, जो मुझे तुझ जैसी नागिनों से बचाएगी। तू मुझे मारना चाहती है ना? चल
मैं आज यहाँ तुझे एक और मौका देता हूँ। चल, मैं यही खड़ा हूँ और तू वहां खड़ी है। आ, कोशिश कर ले एक और बार। मार मुझे, मार। तुम महेशमतियों के पास अकल नहीं होती। अभी अभी तेरा सर पकड़कर तुझे ऊपर खींचा मैंने। तेरी समझ में नहीं आया कि तेरे गरुड़ मणि के होते हुए भी मैंने तुझे छुआ कैसे? बहुत गुरु है ना तुझे अपनी गरुड़ मणि पे? तो सुन, ये वो मणि नहीं है जो तेरा रक्षा कवच थी। उसे तो मैंने कब का बदल दिया। अब बता, बता तुझे बता, कौन बचाएगा? मेरा इंतकाम शुरू हो चुका है। जा, जाकर अपने कुकर्मों का हिसाब दे। जय भोलेनाथ। माँ, आज मैंने तेरे एक और कातिल को मार दिया। आज मेरा दूसरा इंतकाम पूरा हुआ। जय भोलेनाथ। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी, डॉक्टर इमरजेंसी, प्लीज चेक हिम। अगर इस मधुमक्खी को कुछ हो गया तो वो मधुमक्खी अवंतिका किसी को नहीं छोड़ेगी। इनके सिर से तो बहुत खून बह रहा है। कुछ बताइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ तो बोलिए ना। आई एम सॉरी, आपने रिलाने में बहुत देर कर दी। इनकी मौत हो चुकी है। इज डेड। क्या? मेरी माँ का दूसरा कातिल भी गया। इज डेड? इनकी मौत हो गई? महेशमती है मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड। अगर उसे पता चलेगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब है रॉकी, वो पागल हो जाएगी। इनकी मौत नहीं हो सकती। बड़ी बात संभालिए अपने आप को।
देखिए मैंने चेक कर लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। He's no more. कितने अच्छे इंसान थे, कितने अच्छे कर्म किए इन्होंने। महेश्वरी, महेश्वरी, अवंतिका इसके बगैर नहीं रह सकती। वो आपको मेरा मतलब है, वो तो मर जाएगी रॉकी। संभालिए अपने आप को बड़ी मां। घर में सबको इन्फॉर्म करना होगा, इनका अंतिम संस्कार करना होगा बड़ा। रॉकी, तुम बड़ी मां को संभालो, मैं घर पे फोन करके सबको बता देती हूँ। इन्हें अंदर लेके चलिए। तुम फिक्र मत करो, विक्रम का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। जब तक उसके शरीर को जला नहीं देता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। 8 थे, 2 मर गए, 6 रह गए। बहुत जल्द सबकी मौत का मंत्र पढ़ूंगी, एक एक करके सबको शमशान पहुंचाऊंगी। पता चला डेथ कैसे हुई? पार्टी में बहुत पी ली थी, कहीं फिसल गए होंगे। सिर पे इतनी चोट लगने बाद कोई नहीं बचता। विक्रम को जब पूल से निकाला था तो उसके गले में गरुड़ कवच नहीं था। मतलब पहले उस नाग ने गरुड़ कवच निकाला उसके गले से और फिर विक्रम की जान ली। ये उसी नाग का काम है। अग्नि तुम्हें देनी है। फिर तो वो गरुड़ मणि रॉकी ने भी पहनी होगी, पर मैंने अब तक उसे पहने देखी क्यों नहीं? देखना होगा, पर कैसे? ये क्या किया तुमने? पेन चेक कर रही थी शर्ट पे। आई एम सो सॉरी। एक काम करो, तुम शर्ट उतार के दे दो, मैं साफ करके देती हूँ। स्मूथ, आई मीन शर्ट उतरवाने का अच्छा आइडिया है मिसेस निकन। क्या चेक करना? बॉडी मसल्स। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी नियत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, मत उतारो। एक काम करो, जिंदगी भर यही शर्ट पहने रहना, बाद में मुझे मत बोलना कि दाग नहीं गया। अरे 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 सुनो, लिसन, जस्ट मजाक कर रहा था मैं। तुम भी ना छोटी सी है, कौन सी बड़ी बात है? लो। ए, कुछ याद आया? तुम और मैं पहली पहली बार जब कोई नहीं था उस रात। अगर रॉकी ने मुझे छू लिया तो मेरा असली रूप सामने आ जाएगा। रॉकी को पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूं।
रॉकी ने मुझे छोड़, पर कुछ हुआ क्यों नहीं? वो गैरेज की राह कभी नहीं भूल सकता। तुम ये शर्ट निकालो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कुछ लेकर आती हूँ। What a romantic. हेलो, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ हम छह और कोई नहीं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये सिर्फ हम छह लोगों के बीच में। ओके, अरे ऑफ कोर्स मिलना है, तुम भी। हाँ मैं वही पहुंचता हूँ, हाँ तुम वही रुकना। I'll see, bye. Thank you. मुझे रुद्र को बताना होगा, ये सब मिलकर जरूर उसके लिए कोई जाल बिछा रहे हैं। रॉकी ने वो गरुड़ मणि नहीं पहनी। अगर वो उन आठ काटिलों में से एक है, तो उसने वो मणि क्यों नहीं पहनी? हो सकता है अब तक उसको मणि दी ना गई हो। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें पकड़ने के लिए कोई जाल बुन रहे हो। मतलब? मैंने रॉकी को फोन पर बात करते हुए सुना, उन कातिलों के साथ वो लोग सब कहीं मिल रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। शिवांगी, ये तो होना ही था। हमने विक्रम को मारा, वो महेश मतियों का राजा था। रानी साहिबा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इसीलिए तो कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो ना, एक नाग और नागिन दोस्ती करे या दुश्मनी अंत तक निभाते हैं। मैं इंसानों की तरह नहीं हूँ जो दोस्ती करके पीठ पे वार करें। पर अगर अगर उन लोगों ने सच में कोई जाल बुना हो तो हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। ये जानना होगा कि वो क्या करने वाले। अरे ओ काली नागिन, हम इंसान हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। मामा के, ताऊ के, चाचा की, बुआ की, भाभी की, बहन की, बेटी की, ननद। तो तू क्यों नहीं जानती कि ये नाग कौन है? अरे तुम्हारे नाग लोग में किसी की कुंडली नहीं होती, कोई नाम की सूची, कोई फोन बुक नहीं होता, मतलब संख्या कितनी है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खैर छोड़, फोन होगा भी तो तुम लोग कैसे फोन करोगे? अरे ना हाथ है ना कान, कैसे पकड़ोगे? अरे कम से कम नाग लोग में तो इंक्वायरी तो कर सकती है ना कि ये नाग है कौन? है तो तेरी बिरादरी का। ए मोटी, पका मत। ए चुप, वो सेल्फी लेना बंद कर और कुछ तो सीख हम इंसानों से। रिश्ता कैसे निभाते हैं, पहचान बनाना, ये सब कुछ ना, ये सब कुछ ही काम में आता है, ये सारे कॉन्टैक्ट्स काम में आते हैं। अच्छा तो एक काम करती हूँ, तुझे है ना हमारे नाग लोग भेज देती हूँ, जाके देख ले। नाग लोग फुटबॉल जैसा छोटा सा शहर नहीं है, वहाँ हजारों और लाखों नाग नागिन रहते हैं। चल छोड़, अगर रिश्ते निभाते ना तो ये हजारों लाखों तेरे काम आते। ये रिश्ते की दुकान, तू कौन से रिश्ते निभा रही है? हाँ भाड़े की फैमिली और किराए के इमोशंस, वो विक्रम तेरा कौन सा सगा था? सगा? अब समझी, तूने विक्रम को टपका दिया। टपका दिया ना तूने? बकवास बनकर, जब विक्रम मरा था ना तब मैं तेरे सामने खड़ी थी पार्टी में, ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ ना, तुम और यहाँ? मैंने बुलाया है। क्यों रे काली नागिन, तुम जानवरों का ऊपर का फ्लोर हमेशा खाली रहता है क्या? अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसकी पहचान कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, खासकर खासकर उस नीरे नागिन के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, जो हमारे पीछे पड़ा है। इसलिए तो बुलाया है इसे। दो को टपका चुका है वो, इसे यहाँ मिलने के लिए बुलाकर हम कोई और खतरा मोल नहीं ले सकते। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें वही मिलेंगे जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। यहाँ तेरी जान को खतरा है, चल निकल। चलो
मीटिंग पॉइंट पे चलते हैं। कुछ लेके भी जाना है क्या? ये आठवां कातिल है। कपालिका ने जो मणि दी थी वो इसे देनी है। ओ हाँ, भूली गई। ठीक है, मैं घर के अंदर रहकर उन पर नजर रखूंगी और तुम घर के बाहर। वो लोग मुझ पर शक नहीं करते, मुझे वहां कोई खतरा नहीं। पर तुम घर के अंदर मत आना, तुम्हारी जान को खतरा होगा। वो काली नागिन, मधुमक्खी, यामिनी, सब लोग वहीं हैं। ये कौन है? शिवांगी, तुम चुप क्यों? ये कौन है? रॉकी, तुम्हें कैसे पता? ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। तुम नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगी, तुम यहीं रहकर उन लोगों पर नजर रखो। ठीक है, लेकिन तुम अपने नागिन वाले रूप में नहीं जाओगी, तुम मेरे नाग वाले रूप में जाओगी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोच रही थी ठंडी हवा खा लूं। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ? अरे जहाँ हवा खाने आप जा रही हैं। रॉकी, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी ये बड़ी माँ ना बैठे बैठे मोटी होती जा रही है, इसलिए सोच रही थी कि बॉडी शेप में रखने के लिए मैं थोड़ा वाक। हम वॉक पे जा रहे हैं। तो बॉडी शेप के लिए वॉक सही नहीं, आप जिम चलिए, मैं आपको जिम छोड़ता हूँ। कम जिम? हाँ। विक्रम की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल यहाँ पड़ी है? अरे अवंतिका को देना था। रॉकी बेटा, एक काम करोगे, इसे विक्रम के कमरे में रख दोगे प्लीज? अब क्या हुआ? वो मेरी साफ वाली बिंदी, उसे लगाए बगैर मैं बाथरूम से भी बाहर नहीं निकलती। एक काम करती हूँ, मैं अभी लगा देती। टोक मत काली नागिन, मैं इन टोटकों को बहुत मानती हूँ, तो चल। ये मैं कहाँ पे रखूँ? बड़ी माँ ने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स है, अगर खो गए तो दिक्कत हो जाएगी। रॉकी बी केयरफुल। वो तो अजीब और गरीब लॉकेट है, किसका हो सकता है? विक्रम अंकल का शायद। वही बंदे, वैसी अजीब और गरीब चीज है। But you know what? Look bad. मैं देखता हूँ ट्राई करके। पूरी सांप इसके साथ है, फिर भी इसे सांप वाली बिंदी लगानी। शिवांगी बिल्कुल सही कह रही थी, सारे हथियारे मिलने वाले हैं, और ये लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? इतनी देर क्यों कर दी? अरे ओ काली नागिन, मैं तेरी तरह चुटकी में रूप नहीं बदल सकती। सवाल पे सवाल किए जा रही है, चल
मुझे देखना होगा कि ये जा कहा रहे हैं। तुम बिल्कुल सही थी, सारे कातिल एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जरूर मुझे पकड़ने के लिए जाल बुन रहे हैं। नहीं, वहां मत जाओ, वो लोग तुम्हें देख लेंगे। तुम घर आए, इसका मतलब नाक को पकड़ने के लिए तुमने कोई तोड़ लाया। ये क्या है? ये नाग नागिन को पकड़ने के लिए मणि है। अच्छा कैसे भी सही, लेकिन लेकिन नागमणि मेरे हाथ में आ गई। मतलब तोड़ मिल गया उस नाग को पकड़ने का। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, अब इसे वो तो दे जो देने आए हैं। हाँ हाँ देती हूँ, लो। रुद्र, ये तो वही गरुड़ मणि है। सुन, वैसे आज तक हम उस नाक को खत्म कर देंगे, ये सेफ्टी के लिए है, इसे अपने पास ही रखना। ये गरुड़ मणि है जो तुम्हें उस नाक से बचाएगा। तुमने सही कहा था, रॉकी ने यह गरुड़ मणि इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि उसको किसी ने दी नहीं थी। पर यह चमकने वाली चीज क्या है, पता लगाना होगा। एक बात और, तुम्हारी पहचान कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, हमारे घर वाले और उस नाक के सामने तुम कभी नहीं आओगे। अब चले? हाँ चलते हैं, हम चलते हैं। ये दोनों कुछ तो बातें करेंगी, इन दोनों की बातों से बहुत कुछ सामने आ जाएगा। मुझे यामिनी और शेषा का पीछा करना होगा। मुझे रॉकी के पीछे जाना होगा, पता लगाना होगा कि ये क्या करने वाला है। अरे ओ काली नागे, ऐसे घुमा घुमा के कहां ले जा रही है? नाग की सीध में कपालिका के पास ले चल, ये नाग जाल मणि उसे देनी है।
अभी नहीं, इस मणि की शक्ति 12 बजे असर करेगी। ओ, तो थोड़ा घुमा फिरा के बोलना कि ये मणि उस नाक के 12 बजा देगी, उसके बाद कपालिका इस मणि के जरिए उस नाग को जाल में फंसा देगी, उसके बाद हम उसका राम नाम सत्य है कर देंगे, उसके बाद शिवांगी वो नागमणि हमें ला कर देगी। हे भगवान, मेरे बरसों का अरमान आज पूरा हो जाएगा। इतने सपने मत देख, वो नागमणि तुझे नहीं शिवांगी को उठानी है। उसे मनाएगा कौन? बड़ी माँ, उसकी बड़ी माँ। मैं ये सोच के घर आई थी कि रुद्र घर वापस आ गया होगा। उसे बता दूं, वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर कैसे बताऊं? रुद्र तो यहाँ है ही नहीं। शिवांगी, क्या हुआ तुम? दूर हटो मुझे। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? दूर चले जाओ। शिवांगी, मैंने कहा दूर जाओ मत। शिवांगी, क्या हो क्या गया तुम्हें? देखो देखो, मेरे पास मत आना। नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, नहीं टच कर रहा हूँ तुम्हें। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर। शिवांगी, लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, मैं उन हस्बैंड जैसा नहीं हूँ जो कि खुद को अपनी बीवी पे फोर्स करता है जस्ट बिकॉज ही इज मैरिड। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू शिवांगी, एक पल कहती हो कि शर्ट उतारो, दूसरी पल चीखती चिल्लाती हो कि मेरे पास बताओ, छुओ मत। कुछ रॉन्ग विथ यू? क्या हो क्या गया तुम्हें शिवांगी? आई मीन, एक मौका ही तो मांगा था मैंने, पर ये सब देख के लगता है कि वो मौका भी नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में। और शिवांगी, ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? शिवांगी, मैं सिर्फ तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम की एज ए हस्बैंड टू हिज वाइफ। बट कैसे तुम्हारे पास आऊं रॉकी? जब भी तुम्हारे पास आती हूँ, मुझे तुम्हारे चेहरे पे मेरी माँ की कातिल का चेहरा नजर आता है। पर मैं तुम्हें मार भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है जब तुम्हारे पास होती हूँ। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। नहीं, तुम सब कातिल, तुम सब रुद्र को मारने वाले हो, और मुझे रुद्र को बचाना है। Thank you.
ये मणि ले और इससे उस नाग को पकड़। नागजल मणि, ये तुम्हें कहां से मिली? इन्होंने दिए। थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं। 12 बजते ही नागजल मणि की पूजा में शुरू कर दूंगी। वो नाग अपने आप खींचा चलाएगा। क्यों बुलाया मुझे? अवंतिका, वैसे आज हम उस नाग को मारने वाले हैं, पर मुझे लगा अगर तुम उसे अपने डंग से मारोगी तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। उसने तुम्हारे पति को मारा है, रानी जी के राजा जी को मारा है उसने। उस नाग को मरना होगा, उसे मैं खुद मारूंगी। रुद्र ने सही कहा था, ये गुफा अभिमंत्रित है, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। पर ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं मुझे पता लगाना होगा। रुद्र को मारने से रोकना होगा इन्हें। ये आठवां कातिल, क्या ये रॉकी है? चल अपना काम शुरू कर। ये क्या है? कैसे? काश काश की रुद्र सुरक्षित हो, काश की उसकी जान खतरे में ना हो, कैसे बचाऊं उसे? लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया। शिव जी, क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं उसे? इंसानी रूप में आ। इसे अभी मानना होगा, खत्म करना ही होगा इसे। चलो वार करो। We'll be right back.
मर गया। चलो इसे दफना दो ताकि दोबारा ये लौट करना है। काली नाके चल ले चल इसे। ठीक जल्दी से इसे दफनाओ वरना फिर से इसका कोई रिश्तेदार आ जाएगा, वो हमें देख लेगा, फिर हमारी तस्वीर उसकी आंखों में छप जाएगी, फिर कोई आ जाएगा बदला लेने। ओफो, मैं तो तंग आ गई हूँ इन नाग नागिनों के बदलों से। आंखों में खून और खूनी का लाइव टेलीकास्ट। ओह माय गॉड, मरते मरते भी मरने वाले की फुल पब्लिसिटी करके जाते हैं नाग कई के। ए? मैं तेरी बात थोड़ी ना कर रही हूँ। तू मरी थोड़ी ना है। मतलब अगर तू मर भी गई तो, अरे नहीं काली नागिन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अब चलो ना जल्दी से दफनाओ वरना मेरी बिंदी वाला ये नाग बाहर निकल कर आ जाएगा। ओम शांति, तेरी आत्मा को शांति मिले। आज सुकून की नींद सोऊंगी मैं। नहीं रुद्र नहीं मर सकता, मुझे रुद्र को बचाना होगा।